हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? आज हम करेंगे संस्कृत में। देखिए, कक्षा 6 मैंने आपको पिछले पीरियड में करवाया था लेखनम, यानी शब्दों को लिखना। आज हम करेंगे संख्या का। क्या लिखेंगे आज हम? क्या करेंगे? संख्या। देखिए, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ओके, तो मैं आपको वापस से ये वाले चित्रगण के बताती हूँ, तो आप भी मेरे पीछे पीछे बोलिए बोलिए। एकम, एकम, द्वे, एकम, द्वे, त्रीणि, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच। आप ऐसे बोलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, इसलिए मैं ऐसे बुलवा रही हूँ। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट। ओके, देखिए, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव। जैसे हम गिनती बोलते वैसे ही है, पर शब्दों का उच्चारण आपको स्पष्ट और जैसे यहाँ पे दिया वैसे ही करना है। देखिए यहाँ पे, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। अब देखिए, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश। एकादश मन्ने मतलब 11। और एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। क्या हुआ? द्वादश। देखिए यहाँ पे लिखा ही है, एकम, द्वे, त्रीणि। अब लिखते समय भी उस पर ध्यान रखना है। देखिए, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच। क्या पढ़ना है इसे? पंच। ये षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, एकादश और द्वादश। ओके, एकादश और द्वादश, ये हो गए हमारे 12 अंक। कितनी संख्या पढ़ी हमने? 12 अंक। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, निम्नलिखित अंकों को संस्कृत शब्दों में लिखिए, संस्कृत के शब्दों में लिखनी है। तो देखिए, 5 का पंच, 1 का एकम, 7 का सप्त, 11 का एकादश, 2 का द्वे, 9 का नौ, 8 का अष्ट, 4 का चत्वारि, 6 का षट, 10 का दश, 3 का त्रीणि और 12 का द्वादश। ओके बच्चों, अब देखिए, निम्नलिखित जोड़े मिलाइए, पंच, 5, अष्ट, 8, द्वादश, 12, चत्वारि, 4, 9, 9। ओके, आपको किताब में पेंसिल से भरना है। अगर भरना है तो स्वापुस्तिका में आपको पेन से ही भरना है। ओके बच्चों, ये ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है कि पेन से लिखना है या पेंसिल से, तो आप स्कूल में लेके आ सकते हैं नोट, स्वाध्याय किताब, और मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, तो क्या करना है आपको? पहले समझना है, और फिर आपको पता नहीं चले तो मेरे पास लेके आना है और बोलना है, टीचर इसमें क्या कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलो अभी हम क्या करेंगे, नीचे वाला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखिए। अब अंक में लिखना है तो एकादश यानी 11, 9 यानी 9, षट यानी 6, अष्ट यानी 8, पंच यानी 5। अब यहाँ पे तो 12 तक ही गिनती है, इसलिए आपको कुछ वो कठिन लगेगा नहीं।
ओके बच्चों, तो हमारे चार पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं संस्कृत के। ये आपको दिख रहा है क्या स्पष्ट? देखिए मैंने इसमें बनाया है, आप भी इसमें ऐसे पेंसिल से बनाना। दिख रहा है? बनाया ना? यहाँ पे एक एक नाम ढूंढना है आपको, संख्या देखनी है एक एक, और यहाँ पे बॉक्स बनाने हैं। मैंने बनाया है, दिख रहा है आपको सही से? ओके। और ये वाला मछली का चित्र, यहाँ तक आपने सबने स्वाध्याय में नोट में कंप्लीट करना है, किताब में कंप्लीट करना है पेंसिल से। अब देखिए हम यहाँ पे, मैं आपको थोड़े से प्रश्न करवाती हूँ इसमें से। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित अंकों को संस्कृत के शब्दों में लिखिए। अब इसका शब्द क्या है? पंच, एकादश। अब आप बोलो तीन को क्या बोलते हैं? तो त्रीणी। क्या बोलते हैं? त्रीणी। आपको याद है क्या त्रीणी? याद रखना पड़ेगा त्रीणी। अब ये द्वादश, द्वादश। अष्ट, यह षट। क्या है? षट। ये नव, और ये दश। कुछ कठिन है इसमें? नहीं। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत में लिखे हैं एकादश, तो अंकों में लिखना है। तो एकादश, षट, पंच, नव, अष्ट और सप्त, ये हिंदी अक्षर हो गए, अंक हो गए। ओके, इसमें हिंदी अंक लिखने हैं। अब देखिए एकम मतलब एक बार या एक, तो यहाँ पे क्या है संस्कृत शब्दों के सही अर्थ, तो एकम यानी एक, आपका ध्यान यहाँ पे। त्रीणी यानी तीन, द्वे यानी दो, चत्वारी यानी चार, पंच यानी पांच, नौ यानी नौ, षट यानी छह, एकादश यानी ग्यारह, और द्वादश यानी बारह, सप्त यानी सात। ओके, अब देखिए ये जोड़ मिलाने यहाँ पे कितना सरल है, आपको ऐसे लगेगा कि कितना कठिन है, पर आप शब्द अगर द्वादश तक याद कर लोगे तो आपको कठिन नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे आप किताब में या स्वाध्याय में जो भी कुछ काम करोगे ना, वो एकदम परफेक्ट करना है, जैसे तैसे भरना नहीं है, अक्षर भी और लाइनें भी जैसे तैसे खींचनी नहीं है। एकादश, ये है षट, फिर आएगा सप्त और द्वे। ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे कुछ खाली जगह है, वो आपको मैं पीडीएफ भेजूंगी, आगे देख लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए कितना सरल है ये। अब इसमें क्या लिखना है देखो, एक मिनट। हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा है, अंक में लिखिए, दिख रहा है आपको अंक में? चार। तो संस्कृत और हिंदी में लिखिए, तो संस्कृत में क्या लिखेंगे हम इसको? चतवारी। और हिंदी में क्या लिखेंगे? चार, है ना? ऐसे ही मैं लिखूंगी और आपको पीडीएफ भेजूंगी। एकम, द्वे, त्रीणी, चतवारी, पंच, षट, सप्त, कितने हैं? सप्त। ये हो गया संस्कृत, और यहाँ पे हिंदी सात। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो आपको क्या करना है, मैं पीडीएफ भेजूंगी, उसमें से देख के इसमें भरना है, और अगर आपको इसमें भरना है, बुक में भरना है, तो उसमें पेंसिल का यूज करना है, और स्वाध्याय में लिखना है या नोट में लिखना है तो पेन का इस्तेमाल करना है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय बच्चों।